और अब वक्त है आपको आज के इतिहास के बारे में बताने का। आज सन 526 में टर्की के एंटियोक शहर में जबरदस्त भूकंप की वजह से 2,50,000 लोग मारे गए थे। इस भूकंप के बाद लगी आग ने बाकी बची तमाम इमारतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तब रिक्टर स्केल नहीं होता था और सरफेस वेव मैग्नीट्यूड स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता लगभग 7 मापी गई थी। इस विनाश के बाद इस इलाके में 18 महीनों तक भूकंप के हल्के झटके आते रहे थे। आज 1911 में मशहूर समुद्री जहाज टाइटैनिक की मेन बॉडी तैयार हो गई थी और दुनिया के सामने इस विशाल जहाज की रूपरेखा रखी गई थी। 1,00,000 लोगों की मौजूदगी में टाइटैनिक को लॉन्च किया गया था। हैरानी की बात यह है कि नॉर्थ आइलैंड की एक नदी तक टाइटैनिक को घसीटकर स्लिप वे के जरिए पहुंचाने में 22 टन साबुन और तेल का इस्तेमाल हुआ था। यहां खास बात यह भी है कि टाइटैनिक जहाज को बनाने वाले विलियम जेम्स का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1847 में हुआ था। वर्ष 1859 में आज ही के दिन लंदन की पहचान कहे जाने वाले बिग बेन क्लॉक टावर ने काम करना शुरू किया था। माना जाता है कि बिग बेन को अपना नाम ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर बेंजामिन हॉल से मिला था। ब्रिटेन की संसद के पास मौजूद इस क्लॉक टावर में 4 घड़ियां लगी हैं और इसकी ऊंचाई 315 फीट है। खास बात यह है कि बिग बेन में लगी पहली बेल का वजन 16 टन था, जिसे टावर तक एक घोड़ा गाड़ी के जरिए पहुंचाया गया था। आज 1929 में मिकी माउस की पहली टॉकिंग कार्टून फिल्म द कार्निवल किड रिलीज हुई थी। 7 मिनट 40 सेकंड की इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में मिकी माउस ने सबसे पहले जो शब्द बोला था वो था हॉट डॉग्स। और आज के दिन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 1987 में WHO ने इसकी शुरुआत की ताकि दुनिया भर में तंबाकू के सेवन को जागरूकता के जरिए कम किया जा सके। तंबाकू के कारण हर साल दुनिया भर में 70 लाख और भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में औसतन हर 3 में से 1 वयस्क इंसान तंबाकू का सेवन करता है। भारत सरकार ने अप्रैल 2016 में सिगरेट के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का अनुपात 20% से बढ़ाकर 85% कर दिया, लेकिन फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और यह बात याद रखिए कि सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने से सिर्फ आपका ही नहीं देश का विकास भी रुक जाता है। इसलिए सिगरेट और तंबाकू से हमेशा दूर रहिए। नमस्कार।